ये जो चचा है बस मेरे साथ, तो ये आज से तकरीबन 5 साल 5 6 साल पहले की बात है, जब बिहार में 2017 में फ्लड आया था उस समय की बात है। ये चचा जो है, इनका जो है पूरा घर बह गया था। तालाब जो है, नदी महानंदा नदी कटने के कारण इनका घर जो है पूरा बह गया था। और ये चचा जो है किसी तरह मतलब एक पैर पे जाके अटक गया और उसका टहनी पकड़ के वहां रुक गया। और 3 दिन 3 रात है ना, हाँ तीन सुनना, दिन तीन रात भूखे प्यासे उसी जो है पैर में टहनी पकड़ के वो रुका हुआ था। तीसरा चौथा दिन जाके इनको रेस्क्यू किया गया था, तब जाके आज जो है आप लोगों के सामने ये चचा बोल पा रहे हैं और आप लोग भी इसे देख पा रहे हैं। नाम है तो चाचा आपका? गुलाब हैदर। कहाँ आप गायब होके चले गए थे, कब गायब की बात हो है गया ये? यहाँ से, रेत हमको घर गिर गया, चला गया तो गिर थोड़ी सी उड़ा दिया तो चला गया मांडी मांडी, उधर इधर का रेत इधर का, उधर का रेत उधर से, फिर वापसी आकर के थोड़ा सा भांस करके भाटी चला गया, गाज ऐसी दूर में पड़ गया तो सीरो होकर के बहुत कोशिश किए, पानी बहुत खा लिए तो अल्लाह फजल से तो पानी भी खा लिया, तो गाज भी पकड़े, बहुत मुश्किल से गाज में चढ़े। मतलब जब पानी आपके घर में आया तो घर डुबा के लेके चला गया, तो हाँ आप भी उस पानी के रेत में बह गए। बह गया एकदम, बह गए तो मतलब दूर जाके कहीं अटके आप, कभी गाज पर, गाछ पर जाके अटक गए। तो कितना दिन वहां पे रुके घास थे? पर 3 दिन रह गया, 3 दिन रह गए भूखे प्यासे, खाना दुखे से उना नहीं मिला होगा कुछ आपको। तो नहीं। 3 दिन बाद कैसे पता चला कि आप वहाँ हैं? वहाँ कैसे पता चल गया, तो वहां से फिर 3 रोज के बाद हम ऊपर में हाथ उठाया तो वही 10 बजे, 10 बजे हम तीन तीन लोग पानी पी रहा था, ऊपर वाला का द्वार से मांग रहा था, जब 3 कट गया कुछ पानी ली हो गया, तब वहाँ हम नाम करके 5 3 लोग पानी पी करके पहले हम पानी टेस्ट किया, देख कितना पानी है यहाँ, तब देखते हैं देनी एक चार पानी है, तब कोशिश किए दे देनी यहाँ से, हम यहाँ से बोरा की तरफ जाएंगे तो कुछ था मिलेगा, तो ऐसे सिरो जाना होगा, वहाँ हम पानी पी करके बस डूबा डूबा की बस कोशिश किए देनी, वहाँ जाके हमको कुछ था मिलेगा, वहाँ से जो गए इतना तो हो गया, इतना हो गया तो हम कोशिश किए देनी आप आस्था से इधर पानी चले कम जाएंगे। चला जाएंगे, पानी कम हटी जाएगा, आते आते कितना दूर आए, बहुत दूर आए कि इधर सामने में गाज है, यहाँ तक आए तो इतना हुआ इतना हुआ, यहाँ से इतना फिर इधर आते हैं फिर इतना हुआ, तो फिर घूर के फिर एक तो गाज है वहाँ, वहीं गाज पर फिर चढ़ गए, फिर हल्ला मारते हैं तो कुरलिया ऊपर का आदमी सब सुना तो ला लेके आ रहा था उस पर के या अल्लाह पर जाने के लिए, तो वो लोग सुना देनी 3 रोज से हल्ला मारता है, कहाँ है तो ध्यान देता है वो लोग, आप 3 रोज से पैर पे लटक के आवाज दे रहे थे, हाँ तब लोग आए आपको बचाने के हाँ हाँ लिए। तब उसको ले हमको लेके चला गया अल्लाह पकड़, वहाँ अपने लोग का वो लोग विदागी लिया, फिर वो लोग कहा यही रहेगा ना बांध पर रख के आएंगे, तो हम कहे नहीं हम पहले हम अपना डेरा जाएंगे, डेरा में क्या होता है नहीं होता है, तो वहाँ से फिर आया यहाँ रख करके वो लोग का घर गया, तब हम तीसरा रोज यहाँ देखते हैं तो सारा तमाम गोरू भांस उस करके लाख करके कल कल के चाप चुप के डेरी पर काच कच्चू सब साफ किया रहते में, तब उसके बाद तार बहन में वही रात में लहाया लहा धो करके कपड़ा ढूंढा घर में, तो कपड़ा तपड़ा सब ले चला गया है, वही कपड़ा पिन करके रह गया, सब बयान हुआ, तब बयान होने के बाद उधर हम आस्ते आस्ते ये याद से वो टोला में जा रहा था, बैठे बैठे हम चले जाएंगे घाट पर, लौंग पाएंगे तो पाएंगे, नहीं होगा तो उधर रहेंगे, बस ऐसे करके देखते नहीं लौंग आया, अच्छा, ये कब की बात है आपके साथ जो ये घटना हुआ था, कई साल हो गया? एक घटना होने के बाद दो हजार सत्रह सत्रह या दो 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 अच्छा, सत्रह मतलब 2017 में जो हाँ बिहार में फ्लड आया था, बाढ़ हाँ पानी आया था, उसी समय की बात है। हाँ मतलब तकरीबन आपका 17 से लेके सत्रह तीन पांच तीस पाँच पांच छः साल साल हो गया, में 5 6 साल पहले की घटना है। तो अभी आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, तो कैसे, आप लोग अपना जमीन में है या भाड़ा पे हैं, रेंट नहीं पे हैं, दूसरे दूसरे का जमीन में है, दूसरे के जमीन पे रह रहे भाड़ा हैं, भाड़ा पे हैं? हाँ कितना भाड़ा लेता है? भाड़ा लेता है 8 8 हजार रुपया देते हैं 8,000 रुपये साल तो में, साल में। तो क्या कहता है, आप लोग क्या करते क्या हैं? आप अभी यही करते हैं जो 2 4 बीघा खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, हाँ और रहने में इधर कितना दिक्कत होता है चाहिए? वही बन पानी आने से बांध पानी आने से ऐसे आज दिक्कत नहीं ऐसे होता, ऐसे ठीक ठाक जिंदगी हाँ कट जाता है। वही बन पानी वही 2 4 रोज हम लोग को यहाँ तकलीफ होता है, तार बात फिर पानी चले जाता है ना, फिर कोई तकलीफ नहीं,
तो बांध पानी में मतलब आने जाने का भी दिक्कत होता होगा। हाँ आने जाने का भी एक तो सरकार दिया है, लोन दिया है, नाव दिया है। हाँ, तो लोन से हाट बाजार करते हैं। कितना कितना लोग हैं आप लोग, बच्चा बच्चा है आप लोग? हम लोग अभी दो बच्चा है, अभी पांच आदमी है। पांच आदमी है तो कहाँ अभी आप लोग? यहाँ हम अकेले दो बच्चा जो है, बस आप और चाची? बस वो दो दो बच्चा, और बच्चा वो छटकी, वो लोग ऊपर है। तो वो लोग लड़का सब हमको नहीं चाहता है, तो हम ठीक है नहीं चाहते, हमारा जिंदगी किसी में ना गिर जाएगा, लेकिन आप लोग सोचिएगा क्या होगा नहीं होगा। मतलब आपका बेटा, आपका बेटा और बहू जो है, सब बेटा का शादी हो गया? नहीं नहीं अभी नहीं दिलाए हैं, अभी नहीं दिलाए हैं। तो कितना बेटा कुमार है आपका और कितना का शादी हो गया है? नहीं तीन को शादी नहीं दिलाए, नहीं दिलाए हैं। नहीं हम कह दिए हैं। तो आपका बेटा सब मतलब आपको छोड़ के उस पार चले गए हैं? नहीं उस पार वो लोग रहता है, हमारा भाई भाई सब है उस पार में, वही वो लोग के पास रहता है, टोप में रहता है, वही घर उठा दिए हैं वो लोग को। तुम लोग बच के रहो तो खाओ, नहीं देखोगे हम अपना सोच लेंगे क्या करेंगे। मतलब आप अपना बच्चा सब आपका उस पार में सेफ जगह पे घर उठा लिया और आप लोग को यहाँ छोड़ दिया है। तो ये था इस चाचा की एक दुख भरी कहानी जो 5-6 साल पहले आज भी इस हालात में है कि कब पानी आ जाए, महानंदा नदी कब कट जाए कहना मुश्किल है। और जो है अभी फिर भी है यहाँ पे, और जिस जगह पे अभी इनका घर है जहाँ है ये, तो अभी ये रेंट पे रह रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये सालाना भरते हैं और जो है मजदूरी करते हैं चाचा।